तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, अभी तक जो फॉर्मेटिंग आपने सीखा उसमें क्या था कि आपने कलर को सिलेक्ट किया, कलर अप्लाई कर दिया। अब कलर जो अप्लाई हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है कि 85 है वो 85 का सेल वैल्यू क्या है। वो 85 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, एनीथिंग। कोई इससे लिंक नहीं है कि इसके अंदर क्या है, बस कलर अप्लाई किया, कलर अप्लाई हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि कंडीशन विद कलर वो सेल वैल्यू की अकॉर्डिंग कलर को करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी में चाहता हूं ग्रेटर देन 50 वाला हाईलाइट हो जाए, तो मैं ग्रेटर देन 50 इसको क्वांटिटी को सिलेक्ट करूंगा। मैं जिस एरिया में हमें कलर अप्लाई करना है उस एरिया को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, और यहाँ बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी यहाँ पे आती है हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल्स रूल्स, इस हाईलाइट सेल्स रूल्स में आते हैं और यहाँ पे हम ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन, इक्वल टू देख रहे हैं। इसमें हम ग्रेटर देन को सिलेक्ट करते हैं। ग्रेटर देन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डिफॉल्ट 50 आया, लेकिन आपका ही 50 हमेशा जो वैल्यू है वही हमेशा है, इसकी गारंटी नहीं है, या कुछ भी आ सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 65 कर देता हूँ। तो 65 से ऊपर को इसने हाईलाइट कर दिया जैसे कि आप देख रहे हैं, बट इसने अपना डिफॉल्ट कलर चूज किया है। मैं यहां से अपना कोई भी कलर ले सकता हूं। इसके अलावा कस्टम फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए, जहां पे आप नंबर को, फॉन्ट को, बॉर्डर को और साथ में कलर को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहां पे सिलेक्ट किया अपनी कलर एंड ओके एंड ओके, ये आपकी चेंज। तो इसने जस्ट कलर अप्लाई भी नहीं किया, कलर को चेक भी करते रहेगा कि कल के डेट में मान लीजिए कि 68 जो है वो आपका 16 हो गया, तो कलर यहाँ से अप्लाई नहीं होगा, हट जाएगा, और वापस 61 हो गया तो वापस जो है इस पर कलर अप्लाई हो जाएगा। 67 कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई मतलब कलर को अप्लाई नहीं करता है, उस आसना चेक भी करते रहता है कि इस पे कलर अप्लाई हुआ है या कलर जो है जिस कंडीशन से है वो कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमेशा चेक ही करते रहता है। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे वर्क करता है समझ में आ गया? कोई डाउट है आप लोगों को? अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ आपका हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जब आते हैं, यहाँ कई सारी चीजें हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन टू नंबर्स के बीच। ओके, इसमें से जो मर्जी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना कंडीशन और फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैंने भी ग्रेटर देन में दिया। बट ध्यान रखिएगा कि आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन इन तीनों में नंबर्स और डेट एंड टाइम दे सकते हैं। नंबर्स, डेट एंड टाइम आप यहाँ पे किसी तरह का टेक्स्ट भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे ग्रेटर देन रवि भी कर सकते हैं। तो करेक्टर अप्लाई नहीं होगा ग्रेटर देन, बिटवीन एंड लेस देन में, सिर्फ नंबर एंड डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम भी एक्सेप्ट के नंबर भी होता है, अब आता है इक्वल टू। अब इक्वल टू में आप हर एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पूजा को हाईलाइट करना चाहता हूं, इक्वल टू पूजा, तो पूजा हाईलाइट होगी। या कोई पर्टिकुलर वैल्यू कि मैं यहाँ पे 241 हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू 241। मैं पर्टिकुलर एक डेट कि मैं मान लीजिए 2 जनवरी हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू 1/2/2 हाईलाइट हो गया। तो यहां से इसको हाईलाइट की जा सकती है। अब इसमें प्रॉब्लम है,
इक्वल टू आपने अप्लाई किया, जैसे कि मान लीजिए हम सिटी में ही दिल्ली हाईलाइट करें, तो हम यहाँ इक्वल टू दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे, हमारा दिल्ली हाईलाइट हो जाएगा। बट आप यहाँ नीचे देखिए न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं, दिल्ली हाईलाइट हो गया बट न्यू दिल्ली हाईलाइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ देखिए न्यू दिल्ली को हाईलाइट नहीं किया। अब हमारे यहाँ न्यू दिल्ली और दिल्ली एक ही है, आपके डेटा में ऐसा हो सकता है कि नेम ही ले लीजिए तो रवि तोमर, तोमर रवि, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ हाईलाइट करना, रवि भी हो जाए, तोमर भी हो जाए, जो डालूं हो जाए, मैं एक उसका पार्ट में डालूं तो हाईलाइट हो जाए। तो यहां हम डेट ऑगरी सॉरी टेक्स्ट दैट कंटेन पे आएंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया दिल्ली, तो देखिए दिल्ली भी हाईलाइट हो गया और न्यू दिल्ली हाईलाइट हो गया, ठीक है, दिल्ली भी हाईलाइट हो गया और न्यू दिल्ली भी हाईलाइट हो गया। तो टेक्स्ट दैट कंटेन जस्ट लाइक कंट्रोल एफ की तरह होता है, जैसे कंट्रोल एफ में अगर आप कोई नंबर डालते हैं या कोई टेक्स्ट डालते हैं तो उसके मिलते जुलते टेक्स्ट नंबर को हाईलाइट कर देते हैं, सेम उसी तरह से इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। Right, sir? Text that अब जैसे कि मैं डेट की बात की आपके साथ, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुछ डेट चेंज करता हूँ इसमें, लेटेस्ट डेट डाल देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि इक्वल टू में हमने यहाँ पे डेट डाल दी, जैसे मैं सिस्टम डेट डालना चाहता हूँ आज की, तो आज की तारीख है 24/24। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमने 524 डाला हाईलाइट हो गया, बट इससे पहले वाले एग्जांपल में आपको पूरा माने ईयर मंथ दे तीनों डाला, ईयर मंथ दे तीनों डालना पड़ गया। ऐसा इसलिए इस कॉलम में फिलहाल अभी सिर्फ एक ईयर का डेटा, इससे पहले मल्टीपल ईयर का डेटा था इसके, ओके। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि इस फॉर्मेट में, मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ इसमें 24th May भी हाईलाइट हो, बट ये फिक्स है कि हमेशा 24th May ही रहे। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस फाइल को कल खोलूँ 24 मई जो है 25 मई में कन्वर्ट हो जाए, तो एवरी डे मैं ऑफ सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहे, सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहे, ओके सर। उसके लिए हम यहाँ पे डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल करेंगे। डेट ऑकरिंग में कंडीशन है कि टुडे आज की डेट, स्टरडे कल की डेट, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, ये पूरा हाईलाइट होता है और सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है। और जैसे आपका सिस्टम डेट चेंज होता है इसकी कंडीशन भी चेंज होती है, और कंडीशन चेंज होती है तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड चेंज हो जाता है। तो डेट ऑकरिंग क्लियर है, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? हेलो, चलो डेट ऑकरिंग के बाद अगला जो ऑप्शन आता है डुप्लीकेट। अगर आपके पास कोई ऐसी फील्ड है जिसमें मोर देन वन नेम या टेक्स्ट या सेल एनीथिंग, तो उस वैल्यू को वो हाईलाइट कर, जो नंबर जो टेक्स्ट या जो भी दिया हुआ सेल वैल्यू अगर मोर देन वन टाइम आ रहा है तो उसको हाईलाइट कर। अब यहाँ डुप्लीकेट आपको दिख रहा है, अब मैं इस डुप्लीकेट को इस डुप्लीकेट को मैं यूनिक कर देता हूं,
जैसे मैंने इसको यूनिक कर दिया, यूनिक हाईलाइट। अब यहां पे हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया हाईलाइट सेल्स रूल, जिसमें आपने पढ़ा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। नहीं, इसमें ग्रेटर देन नहीं है, इसमें इसमें कुछ फीचर्स नहीं है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे फीचर्स इसमें अवेलेबल नहीं है। ऐसे फीचर्स के लिए आपको नो रूल्स लाना पड़ेगा। ओके, तो हम आगे आपको बताएंगे। अब अगला बारी आती है टॉप बॉटम। अब मान लीजिए एक पहले जो इस सेल के अंदर जितने भी सीट के अंदर जितने भी कंडीशनल वर्टिंग लगे हैं, मैं उसको हटाना चाहता हूं। तो यहां आप क्लियर रूल्स में सिलेक्टेड सेल या एंटायर सीट को क्लिक करें, हट जाए। अब मैं चाहता हूं इसमें से हाईएस्ट जो इसके अंदर जो टॉप 10 है वो हाईलाइट हो, बॉटम 10 है वो हाईलाइट हो जाए, ऐसे टॉप पर है वगैरह। तो इसमें हम हाईलाइट में आते हैं, टॉप बॉटम में, टॉप 10। देखिए जो टॉप और 10 थे वो आपके सामने हाईलाइट है। अब 10 की जगह पे 20 करूँ, 50 करूँ, 60 करूँ, 90 करूँ, यहाँ पे जितना करेंगे उसके हिसाब से हाईलाइट होगा आपका। उसी तरह से इसमें बॉटम 10 भी दिया हुआ है, हाईलाइट सेल्स में आएंगे तो बॉटम 10 आइटम। तो नीचे से जो सबसे लोअर है उसको हाईलाइट, दो चीज आपने देखा, एक टॉप 10% एंड बॉटम 10%। तो जो टॉप 10% या बॉटम 10% है, एक परसेंटाइल फॉर्मूले से कनेक्टेड है। आगे क्लासेस में परसेंटाइल फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, आपको अपना ऑप्शन है अबव एवरेज। देखिए सिलेक्टेड जो सेल है, इस सिलेक्टेड सेल का एवरेज यहाँ देखिए 46 एवरेज है। तो अबव एवरेज मैं करूंगा तो जो 46 से ऊपर होगा उसको हाईलाइट करें, और जो 46 से नीचे होगा वो बिलो एवरेज में हाईलाइट। अबव एवरेज का जरूरत कब पड़ती है चेंज कीजिए, अपने आप हो जाएगा। और हाँ, कलर भी डिफॉल्ट आ रहा है, अपने हिसाब से यहाँ कलर चूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट कलर भी है और कस्टम हम जाकर अपने कलर भी दे सकते हैं। हर जो भी चीजें बताई सब में अवेलेबल है, लेकिन का डिफॉल्ट। अब इसमें अगली जो टॉपिक आती है वो आती है डेटा बार। डेटा बार क्या होता है, ये बार क्रिएट कर देता है। बार जैसे यहाँ पे देखिए 65 है, 69 है, तो इससे पता चलता है कि एक पूरे कॉलम के अंदर में क्या पोजीशन रखता है। कंपेयरिंग करने में आसान होता है, क्योंकि आपके पास अगर लाखों हजारों का डेटा है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, चार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि चार्ट से यूनिट को डिफाइन करता है। तो आप उस केस में जो है डेटा बार से काम चला सकते हैं, सारे एक जैसे हैं, अलग कलर अलग अलग है बट है एक जैसे। ओके, और डेटा बार मैं इसको एक अलग एक शीट पे समझाता हूं तो आपको जरा समझ में आएगा, एक मिनट। वन टू थ्री फोर फाइव, अलग अलग सिक्स सेवन एट नाइन लिया। अब देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना, वैसे बार भी अपने आप को बढ़ाते जाएगा। तो 10 के अकॉर्डिंग हर नंबर, हाईएस्ट नंबर क्या है 10 है, तो 10 के अकॉर्डिंग अब एक सीक्वेंस बना लेता है और जैसे कि परसेंटेज निकाल लेता है बैकएंड में, और जितना परसेंट कम होता है उतना परसेंट कम छोटा बार बनाता है।
जिससे पता चल जाता है कि हाइएस्ट कौन सा, लोएस्ट कौन सा, मिडिल कौन सा है यहाँ से। इस काम के लिए हम लोग कलर स्केल भी लेते हैं, तो कलर भी सेम करता है रेड टू ग्रीन, या अलग अलग कलर है रेड टू ब्लू, अलग अलग कलर है ग्रीन टू रेड। तो यहाँ आपको रेड टू ग्रीन, जितना रेड है उतना लोअर वैल्यू है, जितना ज़्यादा ग्रीन है वो उतना हायर वैल्यू। फिर आता है कलर स्केल, यहाँ सॉरी आइकन सेट। आपको क्लियर शो करना है तो आप आइकन सेट कर सकते हैं, बिलो, मिडल, अबव, यहाँ। ठीक है सर, कोई डाउट इसमें? इसका यूज जैसे कि आप डैशबोर्ड वगैरह पे करते थे, क्वार्टर वन है एक। यहाँ पे क्वार्टर टू है, मान लीजिए क्वार्टर वन में 20 शेल है, सॉरी 20 को हटा देते हैं, और क्वार्टर 20 से क्वार्टर 22 से। तो इसकी कंपेयरिंग के लिए आपको अलग से कंपेयरिंग नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे लगा दीजिए। अब जैसे मैं 23 हो गया तो ये स्वैप हो जाएगा, तो डैशबोर्ड भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर शेड, स्केल्स एंड डेटा बार। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी इसमें दो क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन है कि किसी भी लगी हुई कंडीशन फॉर्मेटिक में एडिट कैसे करें, तो उसके लिए आपको जाना होगा मैनेज रूल पे। उस एरिया को सिलेक्ट करें जहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आपका लगा हुआ है, कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाए और ये यहाँ पे डबल क्लिक करें एडिट रूल्स, या डबल क्लिक करें आप यहाँ पे रूल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आइकन का मतलब कोई और आइकन ले लेता हूँ, मैंने इस आइकन को ले लिया, देन ओके एंड अप्लाई। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या हम एक ही जगह पे दो कंडीशनल मोमेंटिंग लगा सकते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे हाइलाइट्स में ग्रेटर देन 80, हमने 80 से ज़्यादा बड़ा हो इसके लिए कलर ले लिया। फिर दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया हाइलाइट लेस देन, हमने बोला 65 से छोटा होगा उसमें कोई और कलर आए। तो एक से ज़्यादा कंडीशंस आप लगा सकते हैं, ओके, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो चीजें आपने देखी है बाहर, ये मोस्ट यूजेस कमांड है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले कमांड है। इसके अलावा यहाँ आप आते हैं तो मोर रूल्स जहाँ पे यूज कर सकते, जैसे कि बाहर आपको ग्रेटर देन लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ आपको लेस बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारा यहाँ मिलेगा। और यहाँ आप सेलेक्ट कीजिए, कंडीशन दीजिए और यहाँ से अपना फॉर्मेट सेट कीजिए। और इसको अगर इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई चीज़ कोई ऐसी कंडीशंस है जो कि अवेलेबल नहीं, मान लीजिए कुछ ऐसा आप चाहते हैं जिसके लिए इसमें अवेलेबल नहीं, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे जाना है और फॉर्मूले अप्लाई करना है। इन चीज़ों पे हम डिस्कशन आपके साथ कल करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो भी आप